रामायण जीवन का सार है, जीवन की शैली है, जीवन का मर्म है, जीवन का ढंग है। ऐसी परिभाषा जो पूर्ण होकर भी पूर्ण नहीं, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो किसी महापुरुष को भी अर्जित नहीं। आपने रामायण पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन क्या आपका मन कभी भरा है? जी हाँ, यही खूबसूरती है इस महाकाव्य की, जिसमें महापुरुष श्री राम की गाथा इतनी मनमोहक है कि बाल कांड सुन मंद मंद मुस्कान आ जाती है, तो लंका कांड सुन आंखों में क्रोध का सैलाब उमड़ पड़ता है, वहीं उत्तर कांड सुन आंखों में आंसू बरस पड़ते हैं। आधुनिक समाज में रामायण को पर्दे पर जब देखा गया तो एक नाम याद आता है, रामानंद सागर का। श्री राम की छवि उन्होंने पर्दे पर उतारी और हर एक पात्र जिन्होंने किरदार निभाए उनको ही असल श्री राम मानने लगे, और घरों में आज भी उनकी तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे तो तमाम रामायण टीवी पर्दे पर चले, लेकिन अभी तक कोई रामानंद सागर का तोड़ ना दे सका। लेकिन जब श्री राम को जीवन में इतने कष्ट उठाने पड़े तो हम मनुष्य तो उनके आगे कुछ भी नहीं, और यही कुछ रामानंद सागर के साथ हुआ। 2020 के लॉकडाउन में हमने दूरदर्शन पर रामायण देख अपने दुखद पलों को सुखद बनाया। वहीं रामायण को शुरुआती दौर में दूरदर्शन पर चलने के लिए बहुत से संघर्ष करने पड़े थे। जी हाँ, रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपनी किताब एन एपिक लाइफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण में बताया कि रामानंद सागर के लिए दूरदर्शन चैनल पर रामायण का टेलीकास्ट करवाना आसान नहीं था। इस पर रोक लगाने के लिए दूरदर्शन के मालिक से लेकर सरकार तक सभी ने पूरी कोशिश की। किसी को भी रामानंद सागर का रामायण पर शो बनाने का आइडिया पसंद नहीं आया था। रामानंद ने रामायण के 3 पायलट एपिसोड बनाए थे और तीनों रिजेक्ट कर दिए गए। एक टाइम ऐसा आया कि रामानंद परेशान हो गए थे, एक तो उनका समय जा रहा था, ऊपर से पैसे भी खर्च हो रहे थे। हालांकि रामानंद हार मानने वालों में से नहीं थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए काफी अपमान झेला। लोगों ने रामायण के डायलॉग्स का मजाक बनाया, उन्हें दफ्तर के बाहर घंटों खड़े रहना पड़ा, लेकिन वह अपने सपने के लिए डटे रहे। उनकी मेहनत तब रंग लाई जब दूरदर्शन ने इस प्रोजेक्ट को पास किया। रामानंद सागर ने राहत की सांस तो ली थी, लेकिन उनकी मुश्किल यहाँ कम नहीं हुई थी। उनके लिए अगली चुनौती सरकार को मनाना था। 2 सालों तक रामानंद सरकार और दूरदर्शन को मनाते रहे, दूरदर्शन माना, फिर सरकार को मनाने के लिए रामानंद निकल गए। फिर एक घड़ी आई जब उनका सपना पूरा हुआ। जब 1986 में सूचना और प्रसारण मंत्री की कुर्सी पर अजीत कुमार पांजा बैठे, तो उन्होंने रामानंद सागर के इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी, और फिर 1987 में इसका टेलीकास्ट शुरू हुआ। उस वक्त रामायण ने सक्सेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। घर घर में तय समय पर लोग सारा काम छोड़कर टीवी पर रामायण देखते थे। जिनके पास टीवी नहीं होता था वो दूसरों के घर में बैठकर इस शो का लुत्फ उठाते थे। और एक बार फिर साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान भी रामायण को टेलीकास्ट किया गया। ये शो उस वक्त भी सबसे ज्यादा देखने वाले पौराणिक शोज की लिस्ट में शुमार हो गया था। रामानंद के इस संघर्ष पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।